द सड़क नामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं dsadaknama.com। इस समय मैं मौजूद हूं सिरसा में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन 4 चल रहा है, 4 का आज तीसरा दिन है। और क्योंकि इस लॉकडाउन में कुछ शादियां थी जो पहले से तय हुई थी, और चूंकि लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो काफ़ी बंदिशें आ गई कि काफ़ी जो भीड़ है वो एकत्रित नहीं कर सकते, उसके मुताबिक ही अब जो शादियां हैं उनमें 4 या 5 लोग ही जा रहे हैं, जो शादियां संपन्न हो रही हैं, क्योंकि पहले से जो शादियां तय थी। अब मेरे साथ एक ऐसे ही परिवार है जो फतेहाबाद ज़िला के गाँव खुम्बर के रहने वाले हैं, और राजू है इस दुल्हे का नाम जिसकी शादी आज तय की गई थी सिरसा ज़िले के गांव मोड़ावाड़ी में, और आज ये शादी करने के लिए जा रहे हैं और अचानक इनकी गाड़ी की खराबी आ गई जिसकी वजह से गाड़ी इनकी ख़राब हो गई है। मेरे साथ इस समय ये राजू भी मौजूद हैं और उनके जीजा भी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, क्योंकि लॉकडाउन के चलते जो बड़ी दिक्कतें उन फैमिलियों को झेलनी पड़ी जिन फैमिलियों ने पहले से शादी तय की हुई थी, और गाड़ियाँ भी कई गाड़ियाँ बैंड बाजा और जो बारात उस टाइप पूरे रिश्तेदार को जो निमंत्रण दिया हुआ था कहीं ना कहीं लॉकडाउन के चलते वो सब रद्द करना पड़ गया, और अब लॉकडाउन के चलते सीमित लोग ही हैं वो शादी में जा रहे हैं। और आप देख भी रहे हैं कि शादी है और 4 लोग ही बारात में जा रहे हैं। मेरे साथ इस समय वो दूल्हे हैं राजू, हम इनसे भी चर्चा करते हैं कब शादी तय की गई थी और लॉकडाउन के चलते कैसे क्या करना पड़ा। सही, फिर लॉकडाउन सुखताई ज़्यादा कर दी थी, ठीक है, फिर आगे दिन रख दिए थे। तो अब कितने लोग जा रहे हैं शादी में? अब 5 लोग जा रहे हैं। 5? 4 लोग जा रहे हैं। हाँ जी। तो आप क्या करते हैं? हम दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। तो अब इस लॉकडाउन के चलते जिस तरह से अब सोशल डिस्टेंस का पालन भी किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास फैमिली या गरीब जो लोग हैं उनके लिए तो ये ठीक है कि पूरे रिश्तेदारों को नहीं बुलाना पड़ेगा, खर्चा तो कुछ कम बच जाएगा, खर्चा तो कम होगा इससे। हाँ जी, खर्चा तो बचा होगा आपका कुछ? खर्चा तो बचा ही है जी। हाँ जी, आपका क्या नाम है? जग्गाई जी। तो आप क्या लगते हैं इनके? जीजाई जी। तो अब पहले जो शादी की गई थी लॉकडाउन से पहले और अब कितना का अंतर है इसमें? कितना फर्क कितना का है? फर्क बाबा जी, महीने का फर्क का है। महीना एक पहला शादी पहला की सीगी। अच्छा। तो इस करके पहला सखताई करती वाली जी, बसा कारा मरुतियाँ चलद कुछ भी साधन, तो अज जा रहे हैं असं, तो अज गड्डी खराब होगी। अच्छा। हाँ जी, उसमें कुछ आपका जो पैसा भी बचा होगा जो पहले शादी पहले ज़्यादा पैसे लगते, अब 4 लोग जा रहे हो तो कम पैसे लग रहे हैं, इससे एक गरीब फैमिली मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो? हाँ जी, फर्क है जी, फर्क है, गरीब फैमिली लिए ना फर्क है जी। पहला पैसे लगते थे भी वाहवा जाते बराती इकट्ठे होके, हूँ 5 लोग आराम जा रहे हैं, ना कोई लड़ाई ना झगड़ा ना कोई पीवे ना खावे, बस 5 जने ब्याह के आपके घर आ जाएंगे, तो ना कोई रिश्तेदार आवे ना जावे। अच्छा, तो ये सुनी ये ठीक है या पहले ठीक था? ये ठीक है जी वैसे ताई। क्यों? तो रिश्तेदार आपको उड़ा में नहीं देंगे भी आप? मैं शादी में ये तो मजबूरी कर रखी है सरकार ने जी, की करे किसी के लिए की है गा। अच्छा, मजबूरी है जी, जे हम 10 जने आने तो सारा पिंड तैयार सी जी, मुड़ के डांगा कि चले उन्हों तो मामे तो, क्यों जी? हाँ जी, आप क्या लगते हैं इस दूल्हे की? ताई है। तो पहले आप ये बताइए कि जो पहले जो शादियां होती थी, काफ़ी जो लोग जाते थे शादियों में, बरातें जाती थी, कई की गाड़ियां जाती थी और बाजा और कई रिश्तेदारों को जो बुलाते थे, अब लॉकडाउन में शादियां हो रही हैं, 4 या 5 लोग ही जा रहे हैं, तो ये एक गरीब आदमी के लिए ठीक है या नुकसान है, या जो परिवार वाले उनको उड़ामे दे रहे हैं कि आप हमें नहीं बुलाया, ऐसा कुछ है? नुकसान तो सर की है, बाकी आया भी जो गवर्नमेंट का लॉकडाउन है वो तो अपनी फर्ज बनता ना, रिश्तेदार गुस्से होकर की लैणगे, कर लैणगे 2 मिनट गुस्सा, उन्होंने पता ही है भी की हालात ने। इससे कुछ खर्चा तो बचा होगा? खर्चा तो सर हुंदा ही है, कितने ब्याजू पर ब्याजू चकते दिहाड़ी दा वाले लोग, तो तेन पता ही है सीरी पाई लगते, क्योंकि पैसा वाहवा खर्च हुंदा, हुण थोड़ा थोड़े ना सरजूगा। तो ये बल्कि ठीक है या? ठीक ही है सर, ठीक है खर्चे नो ता। खर्चे नो ठीक है। हाँ। लेकिन जो एक चाह होते हैं, एक शौक होता है कि आप इस दूल्हे की ताई हो, भी आपको भी ये था कि मैंने शादी में डांस करना था, ढोल नहीं गया, ऐसा कुछ है? वो तो ऐसा कुछ तो है सर, फिर मजबूरी है। अच्छा,
आपको आपकी उम्मीदें तो आपने पाली हुई थी कि जब मेरे उसकी शादी होगी तो मैं ढोल पे डांस करूंगी या कुछ डीजे पे डांस करना होता है ना, सबका से देती सर, बच्चा कुड़ियां दा भी चाहता है कि सर भी सारे बच्चे नु है गई थी, आप भी ब्याह जावांगे, बरात जावांगे, कोई नचा कुदांगे, कोई डीजे लावांगे, सारा सुन पता ही उनमें सब कुछ वो हो गया, रद्द हो गया। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ एक ऐसी फैमिली जिनको मैंने आपको रूबरू करवाया। नेशनल हाईवे नंबर 9 है ये, जो फाजिल्का से दिल्ली, और इस दौरान मुझे क्योंकि ये शादी है आज और इनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी तो मैंने आपको इनसे रूबरू करवाया। और सीधे तौर पे मेरा मानना ये है कि लॉकडाउन में जहाँ जो पहले शादियाँ तय की गई थी, चाहे उनमें काफ़ी गाड़ियाँ भी तय की गई थी और जो बारात में जाने के लिए लोग भी तैयार थे, कैमरा मैन की बात करूं या डीजे की बात करूं, तमाम सारी जो तैयारियां की गई थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते सब कुछ सीमित हो गया। और आज इस राजू की शादी में भी 4 ही लोग जा रहे हैं, एक उनकी सिस्टर है, उसकी बहन है, ताई है, जीजा है और वो खुद हैं। और मैं आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ। आज इन तकनीकी खराबी के कारण इनकी गाड़ी ख़राब हो गई तो मैंने आपको इनसे रूबरू करवा दिया, लेकिन ये कहा जा सकता है कि लॉकडाउन में ये शादियाँ ये धीरे धीरे प्रचलन बनता जा रहा है, क्योंकि 4 या 5 लोग ही शादियों में जा रहे हैं। इससे जहां खर्च कम होगा, अनावश्यक खर्च नहीं होगा, वहीं ऐसे जो परिवार हैं जो मैंने आपको इस फैमिली से मिलवाया, जिनका कहना था कि वो खर्च तो कर लेते रिश्तेदारों के उन डर से कि उनको शादी में नहीं बुलवाया, लेकिन इस दौरान उनको कहीं से कर्जा लेना पड़ता, लड़के को सीरी रखना पड़ता, उससे कहीं ये लॉकडाउन उनके लिए काफ़ी ठीक है। लगातार हमारे साथ बने रहिए, हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आप Facebook या Twitter पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।